नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले दोस्तों, अगर आपके पास वीवो वाई 28S 5G मोबाइल है, आप उसमें जेस्चर नेविगेशन बार यूज करना चाहते हैं एंड दोस्तों फुल स्क्रीन बटन यूज करना चाहते हैं, दोस्तों आपको फुल स्क्रीन बटन यूज करने के लिए करना क्या है, सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, आपको सिंपली उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, आपको सिंपली उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सो होने के बाद तो भी आप में 3 बटन नेविगेशन में टिक हो दोस्तों, आपको यहाँ पर गेस्चर नेविगेशन वाले पे टिक करना है। टिक करने के बाद तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल में सक्सेसफुली बैक बटन हाइड हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको बैक जाने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको साइड से उंगली लेना है, ब्लैक स्लाइड करना। स्लाइड करने के बाद तो आप बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको डायरेक्टली होम स्क्रीन जाना है, इसके लिए करना दोस्तों नीचे साइड से उंगली लेना है यहाँ पे, तो इस तरह से स्वीप अप कर देना है दोस्तों, इस आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल में गेस्चर नेविगेशन बार दोस्तों यूज कर पाएंगे। वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन के मिलेगा वीडियो में।